हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आई हूँ शी वेब सीरीज का। बेसिकली जो ये वेब सीरीज है, ये रिवॉल्व करती है एक लड़की की स्टोरी के अराउंड। लड़की का नाम है भूमि। भूमि की लाइफ में मदर है और एक सिस्टर है। भूमि की जो फैमिली है वो एक मीडियोकर फैमिली है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती, आप बोल सकते हैं कि रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती। और उसे ऐसे लगता है कि कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता, या फिर वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब कि लोग उसकी लाइफ में उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। दूसरी तरफ उसकी जो सिस्टर है वो अपने आप को काफी ज्यादा मेंटेन रखती है, और मतलब उससे बहुत ही अलग किस्म की है, तो उसे वो मतलब लोगों से अपने आप को इम्पोर्टेंस दिला लेती है, आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी हरकतें ऐसी होती हैं या वो खुद ऐसी होती है कि वो अपने आप की इम्पोर्टेंस जो है वो बटोर लेती है। पर भूमि ऑन द अदर हैंड वो मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो बाय प्रोफेशन भूमि मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल का काम करती है, जो कि उसे पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रही कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाती, नो डाउट वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती है, बट उसे अपने ये प्रोफेशन जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, और इवन उसके डिपार्टमेंट में भी लोग उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, और इसलिए उसे ऐसा फील होता है कि शी इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि उसे कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। अब अगर बात करते हैं कि भूमि की मैरिड लाइफ की, शी इज मैरिड, उसका एक हस्बैंड है जिसे कि वो छोड़कर अपने मदर के घर आ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उसके हस्बैंड हैं वो उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि शी इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो पूरी नहीं कर पाती। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से भूमि के लाइफ में चेंजेस आते हैं, वेब सीरीज बेसिकली है क्या। एक्चुअली भूमि की जो कांस्टेंट लाइफ चल रही होती है, सेम लाइफस्टाइल दिखाया गया है कि वो कांस्टेबल की जॉब कर रही है, और उसका मतलब एक मोनोटोनिक सी रूटीन है, वैसा ही चल रहा होता है। और सडन एक असाइनमेंट आता है जिसमें कि भूमि को भी इन्वॉल्व किया जाता है। एंड जो असाइनमेंट होता है डैट इज की ड्रग से रिलेटेड एक असाइनमेंट होता है, जिसमें कि उन्होंने एक गैंगस्टर को पकड़ना होता है, और उसके लिए उन्हें भूमि की हेल्प चाहिए होती है। उसे एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभाना पड़ता है, ओनली टू क्रैक दैट, जैसे आप कह सकते हो कि उस जाल को क्रैक करने के लिए और उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। तो स्टार्टिंग में शी इज नॉट विलिंग टू डू दिस रोल, पर जैसे ही वो इस असाइनमेंट के लिए हाँ करती है, और उसके कारण, उसकी इन्वॉल्वमेंट के कारण जब वो असाइनमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, एक तो उसे रियलाइज होता है कि लोगों ने उसे इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है, जो कि उसकी लाइफ में पहले बिल्कुल नहीं थी। और उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देखता भी नहीं है, मतलब वो लोगों को अट्रैक्ट तक नहीं कर पाती, और लोगों को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज से वो बाहर आती है। आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को खोजती है उस असाइनमेंट के बाद, वो अपने आप को खोज पाती है कि जैसा वो अपने बारे में सोचती थी, उसकी एक थिंकिंग चेंज होती है, लोगों का जो नजरिया है उसके बारे में वो चेंज होता है। तो बेसिकली यही सारी शी की स्टोरी है कि किस तरह से एक सिंपल लड़की जिसे कि कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, और आप ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी के, अगर हम देखें सोसाइटी के व्यू पॉइंट से कि लड़कियों को किस नजरिए से देखा जाता है, वो भी थोड़ा बहुत उसमें डिपिक्ट किया गया है स्टोरी में। तो और उसके बाद एक असाइनमेंट के बाद उसकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस क्या चेंज होती है, और वो कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करती है ज्यादा से ज्यादा, यही सारी स्टोरी है शी की। अब अगर बात करते हैं इसके एपिसोड्स की, तो इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 30-40 मिनट्स है, यानी कि आपको इसके लिए 4-5 घंटे स्पेंड करने होंगे। और अगर हम बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसको देना चाहूंगी 8/10। ओवरऑल इट इज अ गुड वेब सीरीज, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मैं कह सकती, बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली भी नहीं कह सकती, ओवरऑल ठीक ठीक वेब सीरीज है, आप इसको देख सकते हैं, टाइम पास के लिए अच्छी है। और बाकी जो आप सस्पेंस अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह से उसके लाइफ में चेंजेस आएंगे, उसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।